दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, क्या डिप्लोमा की जगह पर आप ITI लगा सकते हैं, अथवा ITI अगर जिन लोगों ने कंप्लीट किया है, क्या वो डिप्लोमा की वैकेंसी कभी आती है तो क्या उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अथवा बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डिप्लोमा कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लेते हैं और ITI की जो वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म डालने की सोचते हैं। जैसे मान लिया पॉलिटेक्निक में मशीनिस्ट या फिटर या वेल्डर की वैकेंसी आती है और डिप्लोमा उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र का कर लिया है, चाहे मैकेनिकल मेंटेनेंस का हो या प्रोडक्शन का हो, और वो चाहते हैं कि मशीनिस्ट ट्रेड में, फिटर ट्रेड में या टर्नर ट्रेड में जो ITI की वैकेंसी निकली है उसमें फॉर्म डाल, तो क्या संभव है कि ITI करने के बाद में डिप्लोमा की और या डिप्लोमा करने के बाद में ITI की वैकेंसी में हम फॉर्म डाल सकते हैं तो नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे समझने वाली बात यह है कि ITI क्या है और डिप्लोमा क्या है। ITI दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्सेस है जिसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 6 महीने का भी होता है, 9 माह का भी होता है, 1 ईयर यानी 12 माह का और 2 साल का भी होता है दोस्तों। वहीं डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा आपका जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है वो 3 वर्ष का होता है। ITI कंप्लीट करने के बाद में वो आपका 2 वर्ष का, लेटर एंट्री में सीधे प्रवेश लेंगे तो आपका 2 वर्ष का पड़ जाएगा। तो जहाँ तक बात करें ITI और डिप्लोमा में, ये ज़मीन आसमान का अंतर है। ITI जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स है और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा ये डिप्लोमा स्तर का कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ITI यानी हाई स्कूल करने के बाद में आप ITI भी कर सकते हैं और हाई स्कूल करने के बाद में आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ITI करने के बाद में आपके पास विकल्प रहता है कि आप डिप्लोमा कर सकें। ITI करने के बाद जो जॉब आपकी लगती है वो टेक्नीशियन की जॉब लगती है। वहीं अगर आप पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद में आपके पास जॉब जो इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जैसी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं और ITI में आप फॉर्म डालना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था, नियम में था कि डिप्लोमा हायर एजुकेशन का जो है लोअर एजुकेशन में फॉर्म डाल सकता है। जैसे कि मान लिया किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो हाई स्कूल लेवल की जॉब में अगर आप आवेदन करना चाहता है तो कर सकता था, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है और ITI की बेस की जो वैकेंसी आ रही है उसमें फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो वो संभव बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो है डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, ITI करने के बाद आप डिप्लोमा में भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो जाहिर है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।